अभी दो चार पांच है मान लो चल रही जब तक चल रही है, बाकी जितने सर्कस वाले सब बेघर हो जाएंगे। ये क्या हम लोग क्या कर सकेंगे, कौन सी नौकरी देगी सरकार हम लोग। एक सर्कस लग जाता था 50-100-150 आदमी पूछने आता था, हाँ भैया क्या लग रहा है सर्कस लग रहा है बोल के। अभी तो कोई पूछने आता देखने भी नहीं, अब पूछते तो बहुत दूर बाद कोई बोलता भी नहीं क्या है। पहले आर्टिस्ट लोग का मान लो बाहर जाओ इज्जत करते थे आदमी, सर्कस का आर्टिस्ट है यार। अभी कोई सर्कस क्या आर्टिस्ट क्या कोई मतलब भी नहीं किसी आदमी से। दो कु दहाके पहला पिंडा ते शहरी लोकां दे मनोरंजन दा बहुत वड्डा साधन हुंदी सी सर्कस, पर आज स्मार्टफोन दे दौर विच अपना वजूद बचाउण लई संघर्ष कर रही है सर्कस। पुरातन समय विच जदों मनोरंजन दे बहुत घट साधन हुंदे सन उदों सर्कस अजिहा साधन सी जिस नूं वेखण दे लई लोक पंडाल दे बाहर इंतजार करदे सन। इस दे कलाकार लोकां वास्ते रोल मॉडल हुंदे सन, जिवें अज फिल्म अदाकारां नूं वेखण दे लई लोक तरसते हन, उसे तरह ही सर्कस दे कलाकारां नूं लोक वेखण लई तरसते सन। सर्कस जिस च इंसानी कलाकारां तों इलावा हाथी घोड़े शेर अते होर जंगली जानवर अते पंछी शामिल हुंदे सन, जिन्हां दे हैरान कुन करतब देखण लई लोक वहीरां कत्त के सर्कस देखण जांदे सन। अज आईटी दे युग विच इह बीते समें दी गल हो गई है। मनोरंजन दे साधन वधण कारण सर्कस दा वजूद खत्म होण लगा है। जलंधर विच बीते दिनी जैमिनी सर्कस लगी, इस दा पंडाल पहला दी तरह सजाया अते कलाकारां ने कड़ी मेहनत कर लोकां दा मनोरंजन करन दे लई तैयारी बड़े उत्साह नाल कीती, पर उम्मीद तो ना मात्र लोकां दा सर्कस दे पंडाल विच आउणा इन्हां कलाकारां दी उदासी दा कारण बन गया। अजीत वैब टीवी दे पत्रकार ने जदों सर्कस विच जाके वेख्या तां सर्कस दे कलाकारां वल्लों पेश कीती गई कला पूरी तरह तंदरुस्त रहण दा सुनेहा दिंदी दिखाई दित्ती। जोकर ने अपनी कला दे प्रदर्शन नाल पंडाल विच बैठे लोकां नूं हसण दे लई मजबूर कर दित्ता। जोकर दा इक अहम एहो जिहा करैक्टर हुंदा सीगा सर्कस दे विच कि जिहड़ा पूरी दी पूरी सर्कस दे विच जान पा दिंदा सीगा। खास करके जिहड़ा जोकर दा जिहड़ा हुंदा सीगा पिछले समय दे विच लोग उन्हूं ज़्यादा पसंद करते सी। जोकर दी जिहड़े परफॉर्मेंस सीगी उन्हूं बहुत सहारना दित्ती जांदी सी, उन्हूं बहुत लोकप्रिय हुंदी सीगी। अज दे समय दे विच जिहड़ा है कि जानवरां करके तां सर्कस दी मियाद घटी है, बंद होण दे कगार ते जा ही रही है, पर लेकिन जोकर नूं वी लोक देखना पसंद नहीं कर रहे। साडे नाल इस टाइम सर्कस दे विच रोल जोकर दा रोल करन वाले सोहन लाल शुक्ला जी साडे नाल ने, इन्हां तों असीं जाणांगे कि पहले दी ते हुंदी सर्कस दे विच की कमी आई। सोहन लाल जी, तो पहले तो आप बताइए कि जो पहले सर्कस जो थी उसमें एक जोकर का एक अहम रोल होता था। जानवर तो सर्कस में जान डालते डालता था, जोकर का उससे ऊपर होता था। जोकर होता था तो लोगों के तालियां बजती थी, लोग जो होते थे सर्कस की एक जोकर जो था सर्कस की एक जान डाल देता था सर्कस में आके। तो एक उसका पहले कॉस्ट्यूम भी अलग होता था जोकर एक। अब बहुत ज़्यादा जोकर सिंपल क्यों हो गया और जोकर सुस्त क्यों हो गया? जोकर सुस्त नहीं हो गया, उसका कारण है। अभी जोकर जो ज़्यादा लंबा मान लो दो बार या तीन बार एंट्री मारता है तो पब्लिक बोलता है टाइम पास कर रहे, भाटो भागो भागो, और इसीलिए जोकर अब क्या कर सकता है। मान लो हमको दो या सवा दो घंटे में पूरा हमारा प्रोग्राम भी दिखाना है, कुछ लिए या दो या तीन मिनट का होता है हमारा प्रोग्राम जोकर लोग का, और पहले पाँच मिनट दस मिनट चलता था। अभी पब्लिक के पास टाइम भी नहीं और उतना इन्जॉय भी नहीं। पब्लिक चाहता अभी तो पब्लिक दूसरे मान लो जो जोकर देखना चाहे तो अभी नेट पे देख लेती, सर्कस थे ही अच्छे अच्छे मान लो नेट पे भी आ जाते। लेकिन अभी क्या है वही सब सिस्टम है कि पब्लिक का टाइम नहीं, जोकर आता जल्दा ए भाग 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 और क्या है। तो जो पहले की सर्कस थी और जो अब की सर्कस में क्या फ़र्क आपको लगा? आपको 20 साल हो गए यहाँ पे सर्कस में, तो 20 सालों में क्या क्या बदलाव हुआ? अरे 20 सालों में तो बहुत बदलाव हो गया इसका, आप क्या देखें। पहले पब्लिक फुल आता था, ट्रैक्टर भर भर के आता था पब्लिक, हम है ना। और अभी क्या है देखो, दो चार पांच गाड़ी आता है बस। पहले तो जानवर भी थे हमारे पास, और पहले ये इंटरनेट मीडिया कुछ भी नहीं था, मतलब मीडिया था लेकिन इतना नहीं था ना, इंटरनेट बिल्कुल नहीं था। सब इन्जॉय के लिए सिनेमा हॉल या मान लो सर्कस, एक सर्कस लग जाता था 50-100-150 आदमी पूछने आता था, हाँ भैया क्या लग रहा है सर्कस लग रहा है बोल के।
अभी तो कोई पूछने आता देखने भी नहीं है, पूछने तो बहुत दूर बाद, कोई बोलता भी नहीं क्या है। पहले आर्टिस्ट लोग का मान लो बाहर जाओ तो इज्जत करते थे आदमी, सर्कस का आर्टिस्ट है यहाँ। अभी कोई सर्कस के क्या आर्टिस्ट क्या कोई कोई मतलब भी नहीं किसी आदमी से, कोई लेना देना नहीं, क्या हम क्या है क्या नहीं। क्या मन भी टूटा हुआ है कि अब वो पहले वाला जैसा मुकाम नहीं रहा सर्कस का, उस कारण भी थोड़ा ढीलापन आया है? हाँ वो तो ढीलापन है, मान लो पहले फुल पब्लिक एंजॉय लेता था, अभी उतना पब्लिक एंजॉय नहीं लेता है। एक कलाकार जब तक एक कलाकार के तालियां नहीं बजता तब तक कलाकार अपने दिल खोल के परफॉर्मेंस नहीं कर सकता और पब्लिक वो मांगती नहीं। करेक्टर है कुछ सर्कस में नया दिखाने के लिए, कुछ नई चीज़ की तालीम ले रहे हो या कुछ ऐसी जगह अपने आप को और अब आगे ले जाने के लिए कुछ चेंजेस बदलाव के ऊपर, कोई अच्छा और परफॉर्मेंस करने का बेहतर बनाने के लिए कुछ ऐसा आर्टिस्ट के पास है? अभी तो कुछ भी नहीं, जितना था सब नया दिखाते गए गए गए, अभी तो कुछ भी नहीं, अब तो सब पीछे पिछड़ा होते जा रहे हैं। लेकिन हम लोग कर रहे हैं मेहनत के बाद इसको सर्कस को लेके जाए, लेकिन सरकार चाह रही इसको डुबाने के लिए। ग्राउंड महंगे हो गए, हर चीज़ खर्चा महंगा हो गया, पब्लिक आना कम हो गया, तो इसको क्या होगा? मतलब रीएजेंट कब बैठेगा, मालिक लोग कहाँ तक भरपूर करेगा? कभी ना कभी तो इसको डूबना है। खर्चा है 5 लाख तो आ रहा है, 2 लाख कहाँ तक होगा? हम लोग कितना भी मेहनत करें रीएजेंट कहाँ से निकलेगा? मेन जो आपने मतलब कि मेन जो है आर्ट, जो इंटरनेट का भी बहुत बड़ा जो है रोल है सर्कस को डुबोने में, है ना, जो सर्कस जो अब आखिरी सांसों पे जो चल रही है, तो उसके पीछे इंटरनेट का भी बहुत बुरा बहुत एक महीन महत्व है, इसके बारे में? बिल्कुल, वो तो इंटरनेट का तो वही, पहले मैं सुनता था मान लो अपने जब मैं शुरू में आया था, हिंदुस्तान के अंदर 300-325 सर्कस है। अभी मैं अभी अपने ख्यालों में मेरे ज़्यादा ज़्यादा 10-15 सर्कस बचा होगा तो बचा होगा, नहीं तो सब धीरे धीरे बंद हो गए। मालिक लोग चला नहीं पाए, खर्चा नहीं उठा पा रहे। कारण क्या? वही इंटरनेट कारण, दुनिया इंटरनेट पे देख लेती, घर पे देख लो बच्चों घर पे लूट करके दिखा दिया, अब यहाँ कौन आएगा? अभी इतना टिकट भी ना रखें तो इतना खर्चा कहाँ से निकलेगा? तो बहुत से मालिक ने सर्कस तो बंद कर दिया, क्यों? खर्चा नहीं झेल पा रहे थे। अभी 2-4-5 है मान लो चल रही है, जब तक चल रही है, बाकी जितने सर्कस वाले सब बेघर हो जाएंगे। ये क्या हम लोग क्या कर सकेंगे? कौन सी नौकरी देगी सरकार हम लोग को? लेने के अलावा और क्या देगी, क्या कर सकते हम लोग? तो अब जो सर्कस का जो आर्टिस्ट है, अब सर्कस अगर बंद होने के कारण अब वो अब आर्टिस्ट अपने लिए आगे का जीवन अपना व्यतीत करने के लिए जीना तो है, है ना, तो उसके लिए अब क्या सोच रहा है आर्टिस्ट जो है? देखो अभी क्या सोचता है, अभी तो इसी सारे चल रहे, जब होगा तब। लेकिन आर्टिस्ट क्या कर सकेगा, जिन मान लो पूरा मेहनत तो इसी में गुजार दिया जिंदगी, अब एंड टाइम पे क्या होता है? एंड टाइम ये बंद हो जाएगा, देखो क्या करता है आर्टिस्ट लोग, बहुत सा घर बेघर हो जाएगा। मेरे समझ में 3-4 हज़ार आदमी बेघर हो जाएगा। एक ये घर लेके जैसे हम लोग चलते थे घर में, वैसा घर लेके चलते हैं हम लोग को, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं, क्या क्या कर सकेंगे बाहर में? हम लोग को कौन नौकरी देगा? हम लोग के जो कर जैसे लोग का कौन नौकरी देगा? सर्कस देखने आए लोगों ने दसिया कि ज्यादातर जनता जिहड़ी अपने बच्चों नूं मोबाइल फोन ते इंटरनेट दी दलदल विच जाण नूं मजबूत कर चुकी है, उन्हां नूं अपने बच्चों नूं इस विचों बाहर कढ के इस तरह दी जमीनी पद्धर दी प्रतिभा दिखाउणी चाहीदी है। ਕੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਸ ਦੇਖੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਮੀ ਲੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਦੱਸਣਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਰਕਸ ਦੇਖੀ? ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਰਕਸ ਦੇਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਫੋਰ ਏ ਚੇਂਜ। ਮੂਵੀਜ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ। ਐਨੀਮਲਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਈਵਨ ਦੈਨ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਫੋਰ ਏ ਚੇਂਜ, ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਗੇ ਸਰਕਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਆਓਗੇ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਰਕਸ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਜੋ 6-7 ਸੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ, ਜੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀਆਂ ਬਚਪਨ 'ਚ, ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਬੀ 3 ਈਅਰਸ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਰਦਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ?
हाँ इंजॉय नहीं कर पा रहे उस चीज़ को, क्योंकि उस टाइम एनिमल सारे दिखाते थे, टाइगर लॉयन एलीफेंट वगैरह, लेकिन उन प्रोटेक्शन की वजह न बैन है वो चीज़ा, वो चीज़ा बच्चों ने मिस जरूर की हैं, बट फिर भी इंजॉय किया, डिफरेंट है उस टाइम ना थोड़ी हूँ, बट फिर भी इंजॉय किया असी। जो तो हूँ अगर तो जो सर्कस लगती है अपने बच्चों द्वारा दिखाओगे उस जोड़ोगे इसलिए ऑब्वियसली दिखावे जोड़ा बिल्कुल जोड़ा इस नाल, क्योंकि बच्चों नॉलेज भी होनी चाहिए इन्होंने चीज़ों की, इसलिए बहुत जरूरी है कि असं इन्होंने चीज़ों को बच्चों टाइम टू टाइम दिखाते रहेंगे। ये भी देखा जाए सर्कस उत्ते जरा या इन छोटी छोटी चीज़ों के उत्ते जो पुरानी जी चल दियाँ सगियाँ, जिनी एडवांसमेंट आई है, जिन्ना मशीनीकरण होया, चाहे टीवी देख लो, रेडियोज़ देख लो, या हूँ तो लेटेस्टली मोबाइल ने एंटरटेनमेंट बिल्कुल ही खत्म करता और जरा कि बच्चों के इफेक्ट भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैं कहनी हाँ कि जो मोबाइल है चलो बेनीफिट लिए यूज़ करना बहुत जरूरी है, बट वो ना हार्मफुल इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसलिए मैं कहनी हाँ कि बच्चों को बहुत ही घट मोबाइल दिता जाए, उन्होंने आइज़ से बहुत इफेक्ट पै रहा, ब्रेन से इफेक्ट पै रहा, बच्चों की एक्टिविटीज़ खत्म हो रही हैं, आउटडोर गेम्स नहीं बच्चे कर रहे, मोबाइल में लैके बैठे रहते हैं, तो उन्होंने स्टडी पर भी इफेक्ट पै रहा, ग्राउंड लैवल की चीज़ों तो एकदम हट गए हैं अज तक, शायद नॉर्मली कई बच्चों नहीं भी पता हो, कई पेरेंट्स भी नहीं चाहते उन्हें ये चीज़ें दिखाई हैं, उस बारे की मैसेज है? मैं उस बारे ये जरूर कहना चाहवागी कि पेरेंट्स को जरूर लैके आना चाहिए बच्चों, क्योंकि वो थोड़ी आउटिंग भी होंगी है, बच्चे इंजॉय भी करते हैं, नॉलेज भी मिलती है, मोबाइल तो हट के कुछ उन्होंने देखने च मिलता है, एक्चुअल चूचे हम देखते हैं तो ज़्यादा इंजॉय करेंगे मेरे ख्याल के, मोबाइल तो बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट्स वो सामने आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब न मोबाइल बच्चों बिल्कुल नहीं देना चाहिए, तो ये चीज़ जो एक्चुअल है साढ़े आस पास सू मिलदी हैं तो सू जरूर गेन करनी चाहिए, देखना चाहिए, नॉलेज लैनी चाहिए, बच्चों दिखाई चाहिए हैं, कहते बच्चों मोबाइलों तो बाहर कट के यो चीज़ा यह शोज दिखाने चाहिए, दिखाने चाहिए, बिल्कुल दिखाने चाहिए है, बिल्कुल 100% मैं कहांगी कि बच्चों इन चीज़ों नाल जोड़ना चाहिए, मोबाइल तो हटा के चीज़ जरूर दिखाया चाहिए हैं। नहीं काफ़ी इंप्रूवमेंट है, काफ़ी वधिया जिमनास्टिक कर रहे, बहुत वधिया कर रहे, इंप्रूव है, कमी आई हो अगे नाल? नहीं कमी कोई नहीं, बस ठीक है। काफ़ी बहुत ज़्यादा फर्क है, इंप्रूवमेंट, काफ़ी इंप्रूवमेंट है, बहुत इंजॉय किया, एंटरटेनिंग से फुल, मतलब एक टाइम भी नहीं सका बोर हो वधिया से। करना बंद करता बट उन्होंने नहीं देवर फुल एंटरटेनिंग एंटरटेन से पूरा, उन्होंने जो एक्सट्रा मतलब कि जो एंकर से जो एक्ट से काफ़ी इंटरेस्टिंग से पहले नालों, बहुत वधिया सेगा, इंजॉय किया पूरा बच्चों ने, जरूर 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 जरूर। बचपन की यादें ताजा हो गई, बहुत मजा है। पहले सर्कस थी बचपन में जो आपने देखी थी, जो सेम टू सेम, सेम टू सेम, कोई कमी दिखती, कोई कमी नहीं थी, कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं थी, आज मेरा भी बच्चा है वो भी देख के खुश था, बहुत गुड है। सी पहला नालो सेम हैगा, बस आया कि थोड़े जानवर घट सके, अदरवाइज बहुत अच्छी सर्कस थी। अगे सर्कस लगदी कुछ देखन आओगे? बिल्कुल श्योर, असि हर वारी आने हैं, जो भी सर्कस लगदी असि हर वारी देखन आने हैं, जरूर आने हैं। फर्क तो कुछ नहीं, हम भी जैसे देखा था वैसा है, और थोड़ा अभी थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, हम बचपन में जैसे देखा था सिंपल सा था, अभी हम देख रहे हैं थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, और ऐसे खुशी भी लग रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं देख नहीं पाते थे अभी यहाँ देख पा रहे हैं, इसलिए अच्छा लगता है कि सिटी में ऐसा चल रहा है जो गाँव में हो रहा था आजकल यहाँ हो रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि बचपन में मतलब छोटे बच्चे अभी देख के खुश हो रहे हैं। जैमिनी सर्कस के मैनेजर सतपाल सिंह का कहना है कि सर्कस विच जानवर न होने कारण लोगों का रुझान बहुत घट गया है, जिहड़ी कला का प्रदर्शन साडे कलाकार करदे सन उसनू लोग इंटरनेट ते देख लैंदे ने, जिस कारण सर्कस अपने आखिरी साहां तक पहुंच चुकी है। साडे नाल इस टाइम जैमिनी सर्कस के मैनेजर सतपाल हैगे ने, इन्हां नाल असीं जानांगे कि जिहड़ा सर्कस दे विच जिहड़ा इन्हां दा लोकां दा रुझान घट होया है, उस नाल सर्कस दे काम दे उत्ते, सर्कस दे इस इन्हां दे आर्टिस्टां दे काम दे उत्ते किन्ना फर्क पिया, और सर्कस दा जिहड़ा हैगा म्याद क्यों कम हुंदा जा रहा है? ते साडे नाल इस टाइम हैगे ने सतपाल जिहड़े ने मैनेजर ने जैमिनी सर्कस दे। सर जिहड़ी सर्कस जिहड़ी हैगी पहले जैमिनी बहुत तरह देखी जाती सी, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते सके, किन्ना लोगों का रुझान घट होया और तुहानूं की लगता है कि किन्नी कु नालों कमी आई है सर्कस दे लई? कमी सब तो वड्डा जिहड़ा फस्ट रेफरेंस है वो कि जानवर नहीं है बिल्कुल हुण, क्योंकि अजकल दे बच्चे जानवर देखते हैं, जानवर है नहीं, और जानवर होण दे ना होण दे नाल बिजनेस से पब्लिक का रुझान बिल्कुल घट गया है, क्योंकि यह चीज़ें जिहड़ियां असीं दिखा रहे ये तो अजकल ऑनलाइन टीवी से बहुत कुछ हो जाता है, ये चीज़ा कोई नवीं नहीं है, जो मेन चीज़ सी जान वो साढ़े कोल है नहीं, हुण जब सारियां जैनमिसी वगैरह दिखाने
ਉਹ ਲੋਕ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਰਕਸਾਂ ਜੋ ਹਨ ਕੁਝ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚੇ ਇਤਨੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਲੋਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਤਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੀਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਜਿੱਥੇ ਜਲਦੀ ਚਲਾਉਣ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿੰਨਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖਦੇ? ਅੱਜ ਤੋਂ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਤਨੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਫੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਚਾਰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿ ਰੁਝਾਨ ਕੰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੱਟੇ ਵਟਾ ਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ 2000 ਕੁਰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 50 ਆਦਮੀ, 40 ਆਦਮੀ, 30 ਆਦਮੀ, ਇਹ ਸੁਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਡੇ, ਸੈਟਰਡੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦ, ਕਈ ਬੰਦ ਹੋਊਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੇਬਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਫੀਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕਮਾਈਆਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ, ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਲੇਬਰ 1-500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਈਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਲਕੁਲ 99% ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਰਕਸ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਸ, ਜੈਮਨੀ ਸਰਕਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲੇਗੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਇਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦੀ ਦੀ ਖਿਚਾਵਾਂਗੇ, 2 ਸਾਲ, 4 ਸਾਲ, 5 ਸਾਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਾਨਵਰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਜਾਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਕੋਈ ਸਰਕਸ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੰਡੇ ਹਨ, ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕੁਛ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ, ਕੋਈ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, 1-2 ਰਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਸ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਰਕਸ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 50-60 ਸਾਲ 3-3, 4-4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਰਕਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬਕਸੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਾਨਵਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਸ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੱਟ ਗਈਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਬਲਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗਾਰੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਕਰ ਦੱਸਣੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਤਬ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਭਾੜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਿਸਪੋਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ।